भाई लोगों, टैलेंट की अगर बात करूँ ना, तो टैलेंट तो गांव में कूट कूट करके भरा हुआ। मैं खोना गुदिया गांव में आया हुआ था, और पुरानी मुझे चीज़ मिली बावड़ी टाइप की जो भरी हुई है पानी से। और यहाँ पे ज़्यादा तो 100 बच्चे होंगे, उधर भी देखो गाड़ी के पास में कुछ है, यहाँ पे भी है और इधर की तरफ भी है, देखो कितने सारे बच्चे। तो पहले मैं दिखा दूँ कि देखो यहाँ पर पानी भरा हुआ कितना गहरा। ये दीवार की बात करूँ तो यहाँ पे करीब 5 फीट से ज़्यादा ये चौड़ी दीवार है पूरी। अब ये भाई जो बढ़िया इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और देखो इनका टैलेंट देखना, कूद जाएंगे। और ये करीब आपको दिख रही है 70 फीट के समथिंग जितनी, तो ये गहरी है इतनी गहरी। अब इसमें कूद के दिखाएगा भाई। अब गाइस देखो कितना साइड में हो जाए, कितना गहरा हो गया देखो। ओ भाई देखो कितना गहरा है। होड़ मच चुकी है कूदने की। ये भाई भी देखो ये कूद रहा है, ओ तेरी गजब। अब रुको, कहाँ निकलेगा वो? अच्छा वो देखो गाइज कितना गहरा गया है ये बच्चा। ओ देखो कितना गहरा अब निकला है। देखो वीडियो के लिए 4 बंदे इसमें कूद चुके। अब ये देखो तुम भी कूद रहे हो क्या? देखो ये इनका टैलेंट भी देखो, देखो ये लो भाई, बुरी लगती होगी पानी में, खतरनाक। अब इसको देखो एक एक, अरे किसी और के ऊपर मत कूद जाना। हाँ एक एक कूदो अब देख। गजब गजब भाई, भाई करीब 30 फीट जितनी गहरी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 30 फीट है पानी। ऊपर आ गया देखो नीचे, देखो ये यहाँ पर आ, तू यहीं पर है भाई, पहचान गया। उधर देखो कितने बच्चे। अब ये भाई भी अपना टैलेंट दिखाएगा देखो। ए गजब भाई, भाई काफी गहरा ये और बिल्कुल साफ पानी, एकदम नीट एंड क्लीन पानी है पूरा ये। ये देखो यहाँ पर गजब है यार। और कौन को देगा? देख इस भाई को देखो, अब ये करीब 10वें नंबर का है जो कूद रहा है। ओ बच गया भाई, बच गया अभी तो ये। अच्छा इधर से आ जाओगे क्या? ठीक है छड़ के आ जाता है ऊपर तक आ जा। अच्छा छड़ के इधर से छड़ करके आ जाते हैं भाई, गजब। देखो भाई ये इधर से कुछ छड़ करके आ गए यार। ये बचपन में शरारतें हमने भी की थी ये। देखो ये उधर अलग खेल चल रहा है, उधर अलग लोग कूद रहे हैं, नाच रहे हैं और बढ़िया तरीके से नहा रहे हैं। ये देखो इधर से ही छट करके आ जाते हैं, गजब है यार। भाई ये 50-50 ग्राम के छोरे देखो कितने जोरदार कूद रहे हैं यार। अब ये देखो 20 ग्राम का छोरा भाई कूद रहा है क्या? ओए अब ये भी पड़ी जा मच्छी वो तो लगा। अच्छा कैसे लगा? लगा ओ गजब। मतलब जैसे जो डॉल्फिन होती है ना वो कूदती है ना ऐसे, बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे कूदा है भाई। भाई रोज कितने देर तक नहाते हो यहाँ पे? पूरे दिन ही नहाते रहते, पूरे दिन ही। वाह भाई वाह, खतरनाक तरीके का है। लेकिन ये है कि इसी कारण से अपनी जो ऐतिहासिक चीजें है ना वो बरकरार है और ये लोग संजो करके रख रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि यार इनको और से इनका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए, साफ सफाई ढंग से रखी जानी चाहिए, इनमें और अच्छी सुविधा यहाँ पे की जानी चाहिए ताकि ये चीजों में हमेशा तक पानी भरा रहे। तो ये पानी इसमें हमेशा भरा रहता है भाई? सिर्फ बरसात बरसात में आता है। सो जा भाई, तू भी दिखा ले और चीज। तैरना आता है इसको भाई, इसलिए मजे ले रहा है।
और गहरा कितना के नीचे इसमें पानी से भी? और 150-200 फीट इतना गहरा है ना। और ये पहले के समय में राजा महाराजा पानी को मतलब पानी पीने योग्य ही इसमें काम लेते थे, ये चीजें हैं। चलिए गाइज मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टैलेंट के साथ में। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब।